हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें हमने आज पढ़ना बाइट स्ट्रिपिंग। आपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारी यानी कि यहाँ पे फ्रेम डिस्कार्ड कर जाते हैं, यानी कि आपस में उनका कनेक्शन क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। ये वाला जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था, इसी का जो आगे सोल्यूशन उन्होंने हमें प्रोवाइड करना है, उसको कहते हैं कि बाइट स्ट्रिपिंग। सम टाइम उसने यहाँ पे ये डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर की है। वो कहता है कि सम टाइम स्पेशल करेक्टर जो होते हैं, जिसमें के SOH और EOT जो है, कहता है वो डाटा के अंदर वो कहता है कि मिस हो जाता है या वो डिस्टॉर्ट हो जाता है फ्रेमिंग के अंदर, तो इसका सोल्यूशन कहता है टू दिस प्रॉब्लम इज बाइट स्ट्रिपिंग। मतलब बाइट स्ट्रिपिंग क्या है, आपने बताना है कि जब कोई स्पेशल करेक्टर जैसे कि SOH और EOT, वो कहता है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है या वो मिस हो जाते हैं या वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने का जो सलूशन है बाइट स्ट्रिपिंग होता है। नाम से पता चल रहा है बाइट स्ट्रिपिंग, यानी कि जो बाइट बिट का जो दूसरा है बाइट, उसकी स्टफिंग करनी। बेसिकली ये समझिएगा कि स्टफिंग का मतलब ही बेसिकली होता है कि किसी चीज को जोड़ना या भरना या उसको कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसी तरह इसको वो कहता है, यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छे तरीके से उसने इसकी डेफिनेशन की, कहता है चेंज द डाटा स्लाइटली बिफोर इट सेंट। अब डाटा जो होता है उसको सेंड करने से पहले थोड़ी सी उसको चेंजिंग कर देनी है, और रिसीव करने के टाइम पे भी वो चेंजिंग को वापस रीचेंज कर देना। इस सारे प्रोसेस को हम डाटा स्टफिंग कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, उसने क्या लिखा है। कहते हैं सिस्टम यूजली इंसर्ट द डाटा, थोड़ा सा डाटा इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि पहले डाटा के साइड पे और शुरू में थोड़ी थोड़ी एंड पे ना थोड़ा सा मजीद डाटा लगा दिया था, आगे जाएंगे समझ आ जाएगी। बाय टू चेंज डाटा फॉर ट्रांसमिशन टेक्निक इज नाउन एज डाटा स्टफिंग। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक डाटा है, कुछ ये एक डाटा है, वो 2 नहीं होता डाटा के अंदर, मेरे से प्रेस हो गया है। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल वैल्यू ये है, अगर मैं इसके शुरू में एक और ये लगा देता हूँ और एक यहाँ पे एक लगा देता हूँ, मिसाल है, मतलब कि ये जो मैंने 1 अपनी तरफ से मजीद ऐड किया है और यहाँ पे भी मैंने इसको ऐड कर दिया है, यानी कि डाटा के अंदर थोड़ी सी असल डाटा ये था अंदर वाला, और इसके अंदर स्लाइटली चेंजिंग कर दिया, शुरू में भी एक लगा दिया और एंड पे भी एक लगा दिया, इसको डाटा स्टफिंग कहते हैं। आगे पढ़ लेंगे डाटा स्टफिंग की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डाटा स्टफिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन 2 टाइप्स होती है, एक बाइट स्टफिंग एक बिट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग दोनों को उसने हल्का सा यहाँ पे बताया, लेकिन हमारा टॉपिक बाइट स्टफिंग है तो उसकी तरफ रहेंगे। कहता है बाइट स्टफिंग रेसिंग स्टफिंग विद द करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर, जो करेक्टर और हार्डवेयर की ओरिएंटेड की तरफ होती है उसको बाइट स्टफिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वीज आता है। और जो बिट स्टफिंग होती है रेफर टू बिट ओरिएंटेड, ये सिर्फ बिट पे होती है, इसको बिट ओरिएंटेड कहते हैं, ठीक है, बिट स्टफिंग को। और जो बाइट स्टफिंग होती है उसके अंदर वो कहता है कि करेक्टर ओरिएंटेड स्पेशल करेक्टर SOET और EOT होता है, ठीक है। बाइट स्टफिंग ट्रांसलेट ईच रिजर्व बाइट इनटू 2 अनरिजर्व्ड बाइट्स, यानी कि जो हमारे पास जैसे कि पहले हमें डाटा दिया गया है उसको वो कहता है कि वो उसको मजीद कहता है कि 2 हिस्सों में कहता है कि उसके साथ जो कि अनरीडेबल होते हैं, अनरिजर्व्ड होते हैं, उनके साथ वो उसको कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ये वाला शुरू और एंड पे 2 जो है एक्स्ट्रा अनरिजर्व्ड कर दी, जो कि हमारे एंड पे जाने नहीं है, लेकिन वो आगे समझेंगे हम तो आपको पता चल जाएगा। वो कहता है कि बाइट स्टफिंग ट्रांसलेट ईच रिजर्व बाइट, हर एक रिजर्व बाइट को 2 अनरिजर्व बाइट में कहते तब्दील कर देता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वीज है, ठीक है, क्वीज इसी तरह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने एक ESC बोल दिया, ठीक है, प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स का मतलब होता है काम करने से पहले, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक लगाया ना प्रीफिक्स शुरू में काम करने से पहले, यानी कि प्रीफिक्स होता है फॉलो बाय एक्स और SOH, वाई फॉर EOT एंड Z फॉर ECO, यानी कि यहाँ पे उसने एक ESC और यहाँ पे EO, यहाँ पे ये चीजें उसने की, यानी कि शुरू में और एंड पे डाटा अटैच करते हैं। रिसीवर देन रिप्लेस ईच, यानी कि रिसीवर जो होता है मिसाल के तौर पे क्या होता है, ये जो लाइन है रिसीवर वाली, इसका मतलब यही है कि जब डाटा जाएगा रिसीवर क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि एक ये वाला एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो इसको खत्म कर देगा, ठीक है, और ये वाला एक एक्स्ट्रा लगा है इसको भी खत्म कर देगा। तो रिसीवर जो मशीन होती है, दूसरा कंप्यूटर जो होता है उसका सिर्फ यही काम होता है, तो रिसीवर कहता है इसको रिप्लेस कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई एक्स वैल्यू ली है, वाई वैल्यू ली है, तो इन दोनों को वो कहता है क्रॉसपेंडिंग करेक्टर को सिंगल करेक्टर में कन्वर्ट करता है। इसकी उसने एक एग्जाम्पल दिया, डाटा करेक्टर इन डाटा SOH,
यूएटी ये आपको क्वीज आ जाता है कि एसओ एसओएच एससी, यहाँ पे आपने ऐसे रटा लगा देना एसओएच ईओटी और ईएससी, तीनों की तरतीब लिख देनी, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देना और आगे एससी 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 कर देना, ठीक है। करेक्टर सेंट जब सेंड किए जाते हैं, बाइट स्टफिंग इज इसकी उसने यहाँ पे ये फिगर दी है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन के अंदर जो एरर आते हैं उनकी बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ट्रांसमिशन एरर मे अकर ड्यू टू डिफरेंट कॉज, मतलब मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो ट्रांसमिशन के दरमियान एरर आ जाता है ना, इसी तरह जैसे कि हमारा जो छत पे एंटीना लगा होता था टीवी वाला, तो हम जब मैच देखते थे या कुछ भी, तो वो जब बारिश आ जाती थी या आंधी आ जाती थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी ना, तो कोई ना कोई वजह होती है हर बात में प्रॉब्लम क्रिएट होने की। तो यहाँ पे उसने बोला फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस और द पावर, जो हमारी जो पावर होती है मे बी डिस्ट्रॉय हो जाती है डाटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं हो सकता है हमारी बिजली चली जाए या पावर या कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाए या कोई दूसरी चीज उसमें आ जाए इंटरफेयर कर ले, तो इसकी सूरत में वो कहता है ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम बन जाती है, ये बात आपने लिख देनी अगर पूछे। उसके बाद वो कहता है रिजल्ट में हमारे कुछ बिट लॉस्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा डाटा की ट्रांसमिशन खराब हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन एक फिर है कि एरर डिटेक्शन, मतलब जो एरर आ गया उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, फाइंड कैसे किया जाए एंड उसकी करेक्शन कैसे की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर फ्रेम इंक्लूड एडिशन इंफॉर्मेशन विच इज द इंसर्टेड बाय द सेंडर एंड चेक बाय द रिसीवर। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेक्चर नंबर हमने पीछे 4 में भी पढ़ी थी कि जब हमने डाटा को सेंड करना है तो उसमें कुछ फ्रेम ऐड कर देते हैं, जैसे कि एसओएच हमने पढ़ा था, एसओएच और ईओटी एंड ऑफ द टेल और ट्रांसफर ऑफ द हेड, ये हमने पढ़ा था, हम इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इनकी जब एडिंग हो जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो जब ये हम इसको डाटा को सेंड करते हैं और फिर जो रिसीवर है उसको चेक करता है कि ये जो चीजें साथ में आई हैं इनका क्या है, तो वो इसीलिए इनको साथ में ऐड करके हम डाटा को डिटेक्ट कर लेते हैं। मैंने पीछे तफसील से बताया था लेक्चर नंबर 4 में, अगर नहीं पता चला तो उसमें चले जाएं। इनकरेक्ट डाटा कैन बी रिजेक्ट, जो डाटा करेक्ट नहीं होता वो रिजेक्ट हो जाता है और जो हमारा ठीक होता है वो रख लिया जाता है। इनकरेक्ट डाटा कैन बी करप्टेड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास पार्शियल चेकिंग, यानी कि इसकी जो पार्शली हम चेकिंग करते हैं, यहाँ पे आप इसको अपनी फंक्शन पार्टी भी बोल दें तो आपके लिए ठीक चलेगा। तो वो कहता है कि इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास प्रोसेस होता है डिटेक्ट एरर, दीज आर डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है। एरर को डिटेक्ट करना है डिफरेंट मुख्तलिफ तरीकों से, स्कीमों से, ठीक है। एक स्कीम लगा ली, दूसरी लगा ली, इन विच पार्टी चेकिंग इज आल्सो कॉमनली यूज। एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये एक टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ द बिट सेट टू वन इन द डाटा आइटम, जो हमारे पास बिट होते हैं उनके अंदर हम नंबर वन को, ये जैसे मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी थी ना ये वाली, ये वही एग्जांपल थी कि एक डाटा मैंने शुरू में वन लगा दिया। इसकी ना इसके दो प्रोसेस हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी दो टाइप्स हैं, दो प्रोसेस है, एक इवन वाले और एक ऑड वाले। जब आगे एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या किया, इवन वाले में क्या होना होता है। छोड़ पहचान, इवन पार्टी नंबर ऑफ वंस इन डाटा शुड बी इवन नंबर, यानी कि इसमें हमने वंस के इवन नंबर ऐड करने होते हैं, और जो ये वाला होता है हमारे पास ऑड, इसके अंदर नंबर ऑफ बिट शुड बी ऑड, इसके अंदर ऑड नंबर होने होते हैं। सिंपल सा इनके नाम से पता चल जाता है, ठीक है। और ये पार्शियल बिट है क्या असल में, इसमें वो कहता है कि हमने जब भी कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो एक्स्ट्रा बिट उसके अंदर कहता है हमने ऐड कर देना है, और उसमें कहता है कि हमने रिजल्ट में इवन या ऑड हमें वैल्यू रिजल्ट फाइंड हो जाता है, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है कि एक डाटा को डाटा के साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड कर देना आपने, और उसकी सूरत में आगे जाके हमें इवन या ऑड, जो अगर आपने ऑड नंबर उसमें जमा किया है तो ऑड आपको वैल्यू मिलेगी, अगर आपने वो किया है इवन तो आपको इवन वैल्यू मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या किया उसने। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं ताकि हमें ये बात अच्छे से समझ आ जाए। इसको समझने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल करता हूँ जिससे हम बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और ये बहुत ही खूबसूरत और मजे का टॉपिक है। मैं यहाँ से कोई ये एक वैल्यू जो है ना कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में हमारा इवन ऑड सब क्लियर भी हो जाएगा और हमारा जो मामला है वो भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पेस्ट किया,
और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बात ना अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू है डाटा की वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इवन और ऑड का भी कंसेप्ट साथ ही क्लियर कर देते हैं, मैंने बोला था आपको आगे करवाता हूँ। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमने करना है इवन, इवन पार्टी, पार्टी कह लो या इवन पार्टी। अच्छा इवन पार्टी में क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो है बिट्स में वंस को काउंट करें, एक दो और ये तीन है। जब इसके अंदर आप प्लस एक वन कर देंगे, एक बिट का इजाफा कर देंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू इक्वल है, नंबर कितने हो गए, एक दो तीन पहले वन थे और एक हमने इवन पार्टी के लिए एक हमने वन ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे हमारे पास वो कुछ इस तरह से फोर हो गए, ठीक है। क्या हो गए, फोर नंबर। ये है हमारे पास इवन पैरिटी। अगर हम बात करें कि ऑड पैरिटी क्या है, तो ऑड पैरिटी में यही जो नंबर हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे स्पेस दे दूं, वन इसी को दोबारा लिख देता हूं और वन और यहां पे वन। अगर हम बात करें ऑड पैरिटी की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इसके साथ प्लस यानी के वन ऐड नहीं करना पड़ता, हमें प्लस जीरो ऐड करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी सूरत में हम इसको ऑड पैरिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये बात गौर करनी है इसी स्लाइड के अंदर कि ये जो हमारे पास है वैल्यू, वो कहता है कि एग्जांपल इवन पैरिटी के लिए हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, हैज पैरिटी वन, इवन की बात कर रहा है। ये बात आपको पता हो कि जब इवन की बात करेगा तो वन ऐड करना है आपने, ठीक है, और इट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस। इसमें वो कहता है कि हमारे पास पहले वन वन, ये तीन वन है जो कि ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, एंड पार्टी डेटा वन 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 हैज पार्टी बिट जीरो। अगर वो बात करता है कि ऑड बिट की बात करता है, तो वो कहता है कि आपने इसमें जीरो ऐड करना है, उसने दोबारा से डाटा दिया वन जीरो जीरो वन जीरो। अब यहाँ पे ये बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे जीरो और ये वन और वन, इस डाटा के अंदर वो कहता है कि अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो ऑड नंबर ऑफ वंस यानी कि एक दो तीन चार पांच है पहले हमारे पास, वन वन की जो वैल्यू वो पांच है, पांच ऑड नंबर होता है। इसके अंदर अगर आप जीरो जमा करोगे तो पांच को पांच ही रखेगा जो कि ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है कि जब हमने इवन पार्टी का इस्तेमाल करना है तो वन ऐड करना है, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू के जो वंस की कंप्लीमेंटेशन है उसको वो इवन कर देगा। लेकिन जब ऑड की बात करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, तो वो हमारी इस वैल्यू को ऑड रखेगा। अगर हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं कोई डाटा की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, वन कर देता हूँ, कुछ भी, ये कोई भी वैल्यू है। अगर मैं ऑड के अंदर यहाँ पे इसमें वन ऐड कर देता हूँ, एक्चुअल में वैल्यू मेरे पास ये है, इसके अंदर मैं अगर वन ऐड करता हूँ, वन वन दो वन और एक वन, ये तीन और एक चार हमारे पास है। तो अगर मैं इसके अंदर वन ऐड करता हूँ, या आप ये बात करें कि इसको मैं खत्म कर देता हूँ, अगर मैं बात करूं पहले जो हमारे पास, इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर वन ऐड करूं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, चार। लेकिन चार तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि वन आप जमा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जीरो ऐड करना है। अगर आप इसमें जीरो ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑड रहती है वन जीरो, और ये इसके अंदर जीरो करेंगे तो वैल्यू आपके पास तीन रहेगी जो कि ऑड है, ठीक है। इन बातों का ख्याल करना है कि उसके बाद हम बात करते हैं, लेट कंसिडर उसने एक अगर हमें दूसरी एग्जाम्पल दे दी है, कहता है नॉइज और अदर जो कि हमने पीछे पढ़ा है अभी, उसकी बात करता है, अगर वो इसमें इंटरचेंज हो जाए, वैल्यू इसमें ऐड हो जाए वन टू जीरो, फ्रॉम द जीरो टू वन, वन टू जीरो या जीरो टू वन हो जाए, तो रिजल्टिंग में हमें क्या होता है, सपोज ओरिजिनल वैल्यू, उसने कहा हमारे पास सपोज हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ये पड़ी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करें वन टू थ्री, तीन वन थे और उसमें प्लस वन मतलब कि इवन पार्टी ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या है, वो फोर है जो कि इवन है। आफ्टर इंटरफेस इंटरफेरेंस यानी कि अगर कोई नॉइज का मसला बन जाता है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इसमें कोई नंबर एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो इनकरेक्ट डाटा कैसे हो जाएगा, वन 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 और एक हमने पहले ऐड कर दिया था इस वैल्यू के अंदर, अब ये वैल्यू क्या बन गई, ये वन वन, यहां तक ये वैल्यू ये बन चुकी है इस तरह से, ठीक है, वन 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 और डबल जीरो और फिर एंड पे जो वन है हमारे पास, इसको अब गौर से समझिएगा, उसमें उसने फिर प्लस वन कर दिया जो कि ऑड है, ऑड पैरिटी, इट हैज बिकम ऑड पैरिटी, जो कि हमें अगर यहाँ पे हम जीरो वैल्यू ऐड करते। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, वन जीरो वन वन, दो तीन और ये चार, चार नंबर तो हमारे पास वन के पहले ही इसमें जमा थे,
ठीक है, अगर हम इसमें वन इवन पार्टी को ऐड कर देते हैं जो कि किसी नॉइज की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इसके अंदर वो ऐड हो जाती है, तो अब ये क्या बन गया, 5 बार 1 1 वैल्यू जो कि ऑड पार्टी है। तो ऑड पार्टी की वजह से जो कि हमारा डाटा एक्चुअल में खराब हो गया, ये ऑटो वर्क करती है ये चीजें, जब हम सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं साइंसदानों ने तो ये ऑटो डिटेक्ट करती हैं, ये नहीं कि आपको बार बार इसके साथ 1 लगाना है उसके साथ आपने 0 लगाना है, ये खुद ब खुद काम हो जाता है। वो सिर्फ हमें इसकी थ्योरी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में चीजें वर्क किस तरह से करती है, ठीक है। उसके बाद की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्विज के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन फिर है कि लिमिटेशन ऑफ पारिची चेकिंग, पारिची चेकिंग के लिए कौन सी लिमिटेशन होनी चाहिए। यहां गौर कीजिएगा कि सबसे पहली बात है पारिची कैन डिटेक्ट ओनली द ऑड नंबर ऑफ द बिट्स, ठीक है। जो पारिची डिटेक्शन होती है ये सिर्फ ऑड नंबर को डिटेक्ट करती है, ठीक है। जो कि ऑड नंबर है, पीछे भी हमने पढ़ा कि नंबर ऑड होंगे तो आप उसमें कोई वैल्यू, मतलब कि पारिची इवन वैल्यू जो डिटेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से वो ओनली ऑड को डिटेक्ट करता है। डिटेक्शन की बात करें तो वो बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वैल्यू है, तो यहाँ पे गौर करें इतनी सी वैल्यू, इसमें 1 2 3 यानी कि 3 बार 1 की वैल्यू है जो कि एक हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। इसको तो वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, और ये इसमें हमने पार्टी इवन पार्टी वैल्यू ऐड कर दी तो इसको वो, मतलब अब वो क्या हो गया, ये वैल्यू इवन हो गई, इवन पार्टी हो गई, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 1 1 और ये एक वैल्यू 1 है, ये इतना सा डाटा हमारे पास वंस का था, ठीक है, और इसमें हमने एक ये 3 बार वैल्यू 1 1 की पहले हमारे पास मौजूद थी, एक हमने ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पे सिर्फ एग्जांपल है कि हमारे पास ये वैल्यू है ऑलरेडी इवन, इसमें हमने एक जो मजीद ऐड कर दिया और उसके बाद फिर उसमें हम दोबारा अगर वंस की वैल्यू ऐड करते हैं इवन पार्टी जो कि डाटा को इनकरेक्ट कर देती है, इसका मतलब है कि हमारे पास पार्टी चेकिंग है वो सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए है। तो जब भी हम कोई भी वैल्यू की पार्टी चेकिंग करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कोई नॉइज, क्योंकि नॉइज या कोई दूसरी इंटरफेरेंस की वजह से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टी चेकिंग उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, कैन नॉट डिटेक्ट नॉइज ड्यू टू नॉइज हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए तो पार्टी डिटेक्शन उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए कि सिर्फ ऑड नंबर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम, अगर हमारे पास पैरिटी चेकिंग की जो स्कीम है वो वर्क नहीं करती तो फिर हमारे पास क्या सलूशन है, हमने क्या करना है, तो इसके लिए आगे हमें वो मजीद जो है दूसरे ऑप्शन देने की कोशिश कर रहा है। ये उसने हमें एक चेकसम, एक हमें उसने यानी कि अल्टरनेट उसका एक मेथड बताया, यानी कि उसका नेमल बदल एरर को डिटेक्शन। बात याद रहे कि हमें ये दूसरे मेथड क्यों जरूरी है, हमें हमेशा ही 1 बिट का इस्तेमाल करते हुए, बिट का तो नहीं ना हमने करना, डिटेक्शन नहीं करनी हमने, हमें डिफरेंट कोई दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें उनमें, पहले ये बात को समझिएगा कि अल्टरनेटिव मेथड में हमें साइज ऑफ एडिशन इंफॉर्मेशन का, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने मतलब के डिटेक्ट करनी उसका साइज हमें चाहिए, उसके लिए उसका साइज ज्यादा भी हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है, ठीक है, ट्रांसमिशन ओवरहेड हो सकती है। उसके बाद उसके अंदर कितनी कम्प्लेक्सिटी है, उसका एल्गोरिदम क्या है, इस बात के लिए भी हमें बात पता होनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने डिटेक्शन करनी है तो हमें साइज ऑफ इंफॉर्मेशन पता हो, या फिर हमें पता हो कि हम किस एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कौन से एल्गोरिदम की उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ठीक है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें वो कहता है कि नंबर ऑफ बिट्स एरर दैट कैन बी डिटेक्ट, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि साइज कितना है और उसके लिए क्या कम्प्लेक्सिटी है और नंबर ऑफ बिट कितने हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ बिट एरर जो है हमने कितने एरर डिटेक्ट करने, ये सारी चीजों का हमें इल्म होना चाहिए, ये भी एक दूसरी मैकेनिज्म है। उसके बाद है हमारे पास चेक सम, चेक एंड सम, ये दो वर्ड्स की जो मीनिंग है चेक एंड सम का, इसको कवर करते हैं। इसको बेसिकली समझने से पहले ये वाली इसकी जो स्लाइड है इसको देखिएगा, हमारे पास एक वर्ड है हेलो, ठीक है, और इसका यहाँ पे वर्ड है हमारे पास कोई भी हेलो वर्ल्ड। इसके लिए आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर जिससे आपको ये वाला पहले टेबल समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसका एच ई डबल एल ओ और ये 20 और ये जो वैल्यू है इस तरह से। अब आपने ये 48 65 6 C ये वैल्यू ना आपको पहले पता होनी चाहिए ये कैसे आई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास ये एच है, इसका बाइनरी कोड ये वाला है एच का, ठीक है, ऑक्टा डेसिमल वैल्यू ये है, डेसिमल वैल्यू ये है,
ठीक है, और हेक्साडेसिमल वैल्यू ये 48 है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि एच हमारे पास एक कीवर्ड है, उसका जो 48 है वो सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास था कीवर्ड ई, छोटा स्मॉल ई, स्मॉल ई ये है। ठीक है, उसकी हेक्सा वैल्यू जो है वो 65 है, बाकी बाइनरी। इसी तरह सोन, ये सब के फिक्स हैं, ASCII स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल अमेरिकन जो है उन्होंने इसको फिक्स आउट करके रखी होती है वैल्यू, इनके पीछे पे बैकग्राउंड पे कोड्स हैं, तो ये आपने समझना है कि ये वो कोड्स हैं, हमने नहीं लिखे। तो 48 की वैल्यू जो है, H की वैल्यू है 48, E की वैल्यू है 65, I की है 6C और इसकी भी है 6C और O की वैल्यू ये 7। अब चेक सम का क्या काम है, इन दो वैल्यूज का H और E का जो है ना कम्बिनेशन कर दिया, 4 और 8 और ये 65 को साथ लिख दिया, प्लस डबल जो L है उसकी वैल्यू 6C 6C, इसी तरह इन दोनों की वैल्यू और ये O और ये स्पेस की वैल्यू जो है 20 होती है। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है, जैसे कि हमारे पास 6F और साथ में उसकी वैल्यू कर दी जमा 20 और उसके बाद 20 यानी कि उसके बाद W जो है 72 यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है 72 और 6C और ये वाली जो वैल्यू है ये इन दोनों की है। ठीक है, और ये वैल्यू है इन दोनों की 6F और 20 ये ऐड कर दिया और इन दोनों के ऐसे ऐड कर दिया और थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं 72 6C 72 6C, ये दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 64 और 2E, इन सब को कर दिया इस तरह से। अब प्लस इनमें एक कैरी ले लिया, क्योंकि जब हमने इनको जमा करना है तो ये ऐसे सिंपल में जमा नहीं होंगे, बस आपने इसको ऐसे रटा लगा लेना, इसके बैक एंड पे थोड़ा मेथड करना पड़ेगा, और इसको ऐसे ही प्लस कर दिया और जो 71FC है, 71FC इन सब का सम कर लिया, पहले इनको चेक करके फिर सम कर दिया इनका। तो अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड की वैल्यू क्या है, वो 71FC है। तो जब भी हेलो वर्ल्ड हम किसी को सेंड करेंगे तो 71FC जो है वैल्यू आगे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद की बात कर लेते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। उसके बाद की बात करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास कितने बिट पे वर्क करता है चेकसम, तो ये हमारे पास इतने बिट पे काम करता है, 8 बिट पे या 16 या 32 बिट पे। ठीक है, इतने चेकसम इजी टू डू, ये हमें मतलब कि इन बिट की मदद से इजी होता है करना, और इट यूज ओनली एडिशन बट इट हैज आल्सो लिमिटेशन। अब ये कहते हैं ये सिर्फ एडिशन करता है चेकसम, नाम से पता चल रहा है सम है, तो ये सिर्फ चेक सम करता है और ये सारी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं करता, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन होती है, इस वजह से ये इतना मुफीद नहीं है। उसके बाद की बात करते हैं, जैसा कि ये वैल्यू को करता है, यहाँ पे हमें देखिएगा कि ट्रांसमीटर ने क्या किया, जो कि वैल्यू को ट्रांसलेट करके जो सेंड करता है वो 0, 0 और 0 और 1 हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, और इसका चेक सम क्या है, 1। आप इसको निकाल सकते हैं, चेक 1 इसका 1 है, लेकिन आपको करना नहीं, आपने सिर्फ इसको इधर वैसे समझने के लिए ये खाका दिया है कि ये क्या करता है, सबको डिटेक्ट नहीं करता, तो उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू है 001। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 0010, ये सबकी वैल्यू दी है 1, 2, 3 और 1, और इसका चेक सम टोटल कितना आ गया, 7। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर ने 001 सेंड किया था, लेकिन आगे जाके उसमें एरर आ गया और वो 0011 कर दी उसने वैल्यू, तो इसका उसने चेक सम वैल्यू निकाल दी 7। इसी तरह यहाँ पे 00110 किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने 0000 आगे ट्रांसमिट कर दिया, जो कि गलत है, उसका उसने 0 निकाल दिया। इसी तरह इसका देखें, लास्ट वाले का देखें, 001 देखें और इसको 0011 कर दिया इसका आंसर उसने। अब इसकी वैल्यू टोटल चेक सम जो है वो 7 आ गया, इसका टोटल चेक सम 7 आ गया, लेकिन यहाँ पे एरर है, तो इसका मतलब है ये डिटेक्ट सारी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर सकता जो कि उसने ये वाली बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला है और क्विज में। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये क्या करता है, एनेबल नेटवर्क सिस्टम टू डिटेक्ट द मूव एरर विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ईच पैकेट, अमाउंट मस्ट सक्सेसफुल अप्रोच इन द मेड विच इज कॉल्ड CRC। ये उसकी डेफिनेशन उसने क्लियर की है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पे समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्डवेयर के कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं CRC में, जैसे कि आपने CS302 एक सब्जेक्ट है उसको अगर आपने पढ़ लिया या अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लॉजिक्स गेट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर अपलोड हैं आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास CRC में हमारे पास
एक ऑप्शन होता है, ये क्या करता है, यूज करता है टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स। एक शिफ्ट रजिस्टर होता है, एक एक्सक्लूसिव और होता है। सबसे पहले आपको और ऑपरेशन का पता होना चाहिए। अगर और ऑपरेशन को पता नहीं है तो मेरा लेक्चर नंबर आप जो है 4 चेक कर सकते हैं, या 302 का। एक्सक्लूसिव सिंपल और में क्या होता है, पहले हम सिंपल और की बात करते हैं कि सिंपल और में जीरो जीरो है तो वैल्यू जीरो। यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ पे अलग से समझिएगा। अगर हमारे पास वैल्यू होती है एक्सक्लूसिव और की, सॉरी सिंपल और ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जब भी आपने वन वैल्यू दी या जीरो वैल्यू दी तो आपको आंसर वन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने वैल्यू जीरो जीरो दी तो आपको आंसर जीरो ही मिलता है। अगर आपने वैल्यू यहाँ पे जीरो वन दी आपको आंसर वन मिल जाता है। अगर आपने वन वन वैल्यू दी तो आपको आंसर डेफिनेटली वन मिल जाता है। ये था सिंपल और। अब जो एक्सक्लूसिव आर है उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी चेंजिंग स्लाइटली। इसके अंदर यहाँ पे आपको वन मिल गया था, एक्सक्लूसिव आर में भी ऐसे मिलेगा, लेकिन जब भी आपकी दोनों सेम सेम इनपुट होगी एक्सक्लूसिव आर में आपको आंसर जीरो मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हमें नॉर्मल आर में आपको वन वन की जगह पे आंसर वन मिल गया, लेकिन एक्सक्लूसिव आर में जीरो मिलेगा। यही चीज है, इसको देखिएगा। एक्सक्लूसिव आर में जब वैल्यू, ये आउटपुट है ये इनपुट है, इसके अंदर देखिएगा जब वैल्यू ए की वैल्यू, ये ए है और ये बी है, जीरो जीरो ये सारी वैल्यू वन बाय वन करनी, ए की वैल्यू जीरो एंटर की, बी की वैल्यू ये जीरो एंटर की, ठीक है। तो आंसर जब वैल्यू जीरो और जीरो सेम है और वन सेम है, जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर जीरो आता है। जब एक और दूसरी वैल्यू डिफरेंट होती है तो उसकी वजह में आपको आंसर जो है वन वन मिलता है। तो जब आप सेम सेम वैल्यू एंटर करेंगे तो एक्सक्लूसिव आर यूनिट में आपको वैल्यू जीरो वो आउटपुट देगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है रजिस्टर, ठीक है। आप रजिस्टर को शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास वन और ये वैल्यू है वन। आप ये वन यहाँ पे इंटर हो रहा है, जैसे कि एक मोटरसाइकिल की गरारी वर्क करती है या आपके घर में कोई मीटर होता है उसी तरह ये वर्क करता है कि वन इंटर किया तो आगे से आपको वन मिल रहा है। ये फौरी तौर पर वन नहीं मिलता, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये ऐसे गरारियां घूमती हैं नंबरिंग, और फिर उसके बाद अगर देखिएगा आपने यहाँ पे वैल्यू वन इंटर की तो क्या होगा, ये जीरो थोड़ा सा आगे हो जाएगा और ये वन आगे हो जाएगा और ये वन आगे हो जाएगा और ये जीरो आगे हो जाएगा। इसी तरह वैल्यू आगे आगे होती जाती है, तो फिर फाइनली आपको एक मकाम ऐसा आता है जहां पे आपको वन आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे यही काम उसने किया कि ये देखो यहाँ पे वन इंटर कर रहा है और ये जो जीरो था ये थोड़ा सा आगे हो गया, यानी कि ये जीरो इसकी जगह पे आ गया वन की जगह पे। अब अगली बार यहाँ पे जीरो बाहर आएगा, ठीक है। उसने दोनों तस्वीरी खाके दिए हैं जिनकी मर्जी से आपको पॉइंट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे से कि वो कहता है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सीआर, कंसीडर द डाटा मैसेज कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल, कि इसका जो डाटा है वो पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल होता है, आपको जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, देयर कोफिशिएंट सेट इज डिवाइड इनटू नाउन एज पॉलीनोमियल, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन इज द ट्रांसमिटेड सीआरसी चेक्ड एट द रिसीवर डिटेक्शन, और सीआर गुड एरर डिटेक्शन प्रॉपर्टीज। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको रीड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी जो है आपकी वो सख्त है, लेकिन आपने इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी है। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। बाइट स्ट्रफिंग करनी है आपने, एंड आपने ट्रांसमिशन एरर को चेक करना है, और आपने पारिटी चेकिंग फंक्शन पार्टी के इवन और ऑड को अच्छे से क्लिक करना है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।